कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो, उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। लगभग 2.5 लाख समाजवादी, कांग्रेसी सारे प्रमुख लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश पूरा मोदीमय हुआ है और वर्तमान के समय में तो पूरे देश में प्रचंड आंधी चल रही, खासकर मध्य प्रदेश में। हमको मालूम होगा, जैसे जानकारी दूंगा आपको, कि 2 प्रत्याशी आपकी जान, इस तरह से इसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 29 सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। 28 सीट कांग्रेस को दी, 1 सीट समाजवादी ने ली। खजुराहो सीट से पहले कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के सदस्य ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, या एक तरह से जान करते उनने सरेंडर करते हुए फॉर्म में त्रुटि करी ताकि कलेक्टर के सिर पे आए और उनने एक तरह से अपना विड्रॉ किया। दूसरा, घोषित रूप से तब इनने कहा था कि हमने प्रशासन में गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि इस समय स्पष्ट किया था कि ये जो कोई उम्मीदवार फॉर्म भर के अगर हस्ताक्षर नहीं करता और एक जगह नहीं, दो जगह नहीं करता है, तो इसका मतलब ये वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हमने उसमें इशारा भी दिया था। तब भी कांग्रेस और सब लोगों ने कहा नहीं, इन्हें गलत किया है। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके है, कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो उसमें ये लोकतंत्र की ताकत है, मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़ें की गहराई है। और मुझे जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी, उसने भाजपा की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है, तो हम उसके आवेदन पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है उसको अगर भाजपा ज्वाइन करना तो कराएंगे भी सही। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो, उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। सर, इसके साथ साथ अभी तो 2 हो गए हैं, सुना है कि कुछ और रखे हुए हैं ऐसे ही बम फोड़ने के लिए, आपने शायद बता ऐसा कैच लगाया था चंबल क्षेत्र से अब अगला कुछ होने वाला। देखिए, धीरे धीरे करके लगभग 2.5 लाख समाजवादी, कांग्रेसी सारे प्रमुख लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं तो ये रोज ही हमको सिलेक्शन करना पड़ता है किसको आने दें किसको ना आने दें। लगभग 96 कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभी तक के पुराने रहे हुए वो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, 179 विभिन्न प्रकार के पूर्व विधायक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये जो पार्टी का बढ़ता व्याप है, इस व्याप की छतरी में अधिकांश कांग्रेस के लोग समाहित हो रहे हैं। तो हमको तो खुशी है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है। अभी कांग्रेस का विचार करना चाहिए कि उनके लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, उनके यहाँ निराशा क्यों है, उनके संगठन की यह हालत क्यों हुई है, ये कांग्रेस के विचार करने का विषय है।